अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं जी उमरा व्लॉग। अभी ये कैसे बंद करेंगे? वो लगाना पड़ेगा, पेन जो ली थी ना। हाँ। उसने वो एक और तरीका बताया, उसने कहा था यूं करके ना सामने की ठान दे देना बेचारा खाली, बस एक ऊपर कपड़ा होना चाहिए बच्चे। पहले बटन खोलिए। बटन खोल दीजिए। अबे बड़ा ले लिया आपने। हाँ वो पता नहीं क्या वो ये कर दो ये तो ठीक है ना भाई, ये सही है ना। हर चीज बच्चों ने यही पहना होता है, बच्चों ने ऐसे ही पहना हुआ होता है। वीडियो बन रही है, वो बस बोल रहे हैं, उसको ये कहा है कि वीडियो बन रही है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इतना छोटा थोड़ा दोबारा आपका आ रहा है उमरा 41 4 पे, मेरा आ रहा है 6 पे। टाइमिंग आ रही उमरे की, सेफ्टी पिन नहीं बोल रहे, सेफ्टी पिन लेकर आई। ठीक है फिर इतना हाँ जी इतना सही है। ओ चार छः तक किसी भी टाइम हो जाइए, बस निकलो करना की बहुत जानी है, बस सामने मैं तो बिजली की दुकान की टैक्सी लगा के जाऊँगा, बस सारा काम कर कबाब तेरी कबाब है कबाब वो तो तेरी तो होना पड़ी है नहीं तो उन पे है ही नहीं। हाँ गर्दन नहीं है तो उन पे है। अभी जी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा, वहाँ से जो है दोबारा से तैयारी शारी पकड़ेंगे और निकलेंगे। हमारा छोटा हाजी भी तैयार है, अभी गुल दिखा देंगे एक दफा ऐसे। ये देखें माशाल्लाह, चलें सही है। गुल का फर्स्ट उमरा आ गया है, गुल अमीर का जी फर्स्ट उमरा सर, जिंदगी लगा के पहुंचे मक्के मदीने, तू एक नसीब वाला। लास्ट टाइम मैंने जगह जगह पे म्यूजिक लगाया हुआ था, म्यूजिक बोलूं तो नात वगैरह लगाई हुई थी, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा कॉपीराइट का ऑप्शन आता है, तो इस वजह से फिर इस बार वॉइस ओवर करूँगी, जहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला तो वहाँ पे मैं इस तरह से ही वॉइस ओवर कर दूंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग इस टाइम जो है ना पहुंच गए थे नमाज के टाइम पे एग्जैक्टली, तकरीबन सिर्फ 5-10 मिनट पहले पहुंचे थे, और फिर हमने पहले सोचा नमाज पढ़े और उसके बाद जो है अगला काम स्टार्ट करते हैं। और हम लोग ने उमरा स्टार्ट करने से पहले क्या किया कि हम सब ने मिल के आबे जमजम पी लिया, मैंने पिया, गुल ने बड़े शौक से पिया, इवन कि मैंने गुल के जो दो तीन फीडर बनाए थे ना मतलब दूध वाले, तो वो भी मैं आबे जमजम से बनाए थे। और उसके बाद हम लोगों ने उमरा स्टार्ट कर दिया, सुबह फजर के टाइम पहले नमाज़ पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद हम लोगों ने उमरा स्टार्ट किया, माशाल्लाह से तब गुल हमीद ने बिल्कुल भी हम लोगों को तंग नहीं किया। उमरा के दौरान मोबाइल नहीं यूज़ करना चाह रही थी, लेकिन मेरे बेटे का फर्स्ट उमरा था तो ज़्यादा मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे ख्याल में यही वाला क्लिप है जो आप लोग देखेंगे 30 सेकंड का होगा, तो बस यही मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उसने उमरा सो के गुजारा था, पहला एक चक्कर जाके गुजारा था मतलब तवाफ किया था, और उसके बाद बाकी के जितने 6 चक्कर थे उसने फिर वो सो के ही गुजारे, तो इस तरह से जो है ना हम लोगों का हुआ था। लेकिन गर्मी इतनी शदीद हो गई है, इतनी शदीद हो गई है कि यहाँ पर चलना, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था।
और फिर हम लोगों ने तवाफ़ वगैरह कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आजकल कोविड की वजह से होता है कि एक दफ़ा आप साई की तरफ चले जाए ना तो दोबारा से आपको नहीं आने देते, तो यहाँ पे नफल भी अदा किए। साथ में मैंने सोचा कि थोड़ी देर गुल हमीद की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बना लें। अच्छा, हम सही करने के लिए गए थे, इतना ज़्यादा रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, और हमारे साथ बच्चा था, तो हम लोगों ने ट्राई किया कि हम इसके साथ सही करें। हमने एक चक्कर तो गुल हमीद के साथ लगा लिया था, लेकिन फिर गुल हमीद जो है ना फुल तंग होने लग गया था, तो हमने सोचा अब ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चेयर्स हैं ये वाली, पहले मैं इनको बोल रही थी कि यार ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए, ऐसे लोग जो बच्चों के साथ हैं या बूढ़े हैं इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके लिए चीज़ बहुत अच्छी है। सिंगल चेयर मेरे ख्याल में 50 रियाल की थी, और डबल जो चेयर थी, जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड और गुल भी हम तीनों बैठ गए थे, तो ये 115 रियाल की हम लोगों को पड़ी थी, और हम लोगों ने सही बड़े आराम और सुकून से कर ली थी। और उसके बाद अगर आपने फुल तवाफ़ करना हो, फुल सही ये वो सब कुछ मिला के अगर आपने करना हो, तो वो भी तकरीबन अवेलेबल था, लेकिन वो 300 रियाल में आप फुल उमरा कर सकते हैं। यानी कि जो बंदा चल भी नहीं सकता, बैठ भी सही नहीं सकता, उसके भी चेयर्स थी अच्छी खासी, और इतनी चलाना इतना आसान होता है। तो हम लोगों ने एक चक्कर तो पहले लगा लिया था पैदल ही, फिर उसके बाद गुल ने बहुत तंग करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने सोचा कि ये वाला ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। हालांकि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग सही जैसे करते हैं वैसे करें, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है असल में सही करने का मज़ा वैसे ही आता है। तो बस जी, यहाँ पे हमारा उमरा स्टार्ट हो गया था। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि सारे जो लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, उमरा हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और ये हवा भी जा रही है वापस। हम लोग भी यहाँ से वापस जाते हैं। बहुत रश था, फर्स्ट फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे खड़े हुए हम वेट कर रहे थे वो फैमिली जो हमारे साथ आई थी, क्योंकि वो अलग, हमने उनका कहा था कि आप सही वगैरह कर लो, हम लोग ऊपर जाके सही करते हैं, तो फिर इस वजह से हम थोड़े से बिछड़ गए थे। और फिर जो है फाइनली हम लोगों ने एक दूसरे को लाइव लोकेशन सेंड की, और अब हम उनकी तरफ जा रहे थे और वो हमारी तरफ आ रहे थे कि हम लोग जल्दी से मिलें और फिर वापस जाएं, क्योंकि यहाँ से अब हम लोगों ने अभी भी स्टे नहीं करना था। मतलब पूरी रात चलने के बाद हम लोग पहुंचे थे मक्का, मक्का से हम लोगों ने उमरा किया, उमरा का 4 घंटे का 3 घंटे का लगा टाइम, उसके बाद हम लोग फिर जो है ना मदीना का 4 घंटे का सफ़र करना था, स्टे कहीं भी नहीं था। और यहाँ पे माशाल्लाह से गुल हमीद के, मेरा बड़ा ख्वाब था कि इसका एक उमरा हो जाए, और उमरा होने के बाद इसकी जो बाल है ना वो सारे ख़त्म करवा दूँ, तो बस इस वजह से मैं सिर्फ इसके उमरा के लिए आई थी कि मेरे बेटे का उमरा हो जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह से वो इतना प्यारा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों ने उसके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवाएं, किसी ने आके बांग्लादेशी जो पैसे होते हैं वो आके दिए, तो इस तरह से काफ़ी लोग जो है ना इसके आसपास खड़े हो रहे थे, इवन के उमरा के दौरान भी लोग इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़, क्योंकि बच्चा जो है ना उमरा करते हुए बहुत क्यूट लगता है। तो माशाल्लाह से गुल हमीद का भी जो फर्स्ट उमरा है वो हो गया था। लोग पूछ रहे थे कि ऊपर वाले सहन में बच्चों को करने देते हैं कि नीचे वाले सहन में करने देते, तो आजकल नीचे वाले सहन में अलाउ कर दिया है, क्योंकि रश उस तरह से नहीं है जैसे पहले था। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से आयशा मस्जिद। किधर जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं, और अभी हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी के पास, फिर उसके बाद जो है आयशा बस है, हाँ, मस्जिद आयशा के पास जाके रुकेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग खाना खाएंगे, मदीना जाएंगे, जुम्मा की नमाज पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे गोल। अरे वाह माशाल्लाह, उमरा बॉय, उमरा मुबारक। भाई नानी ने सर अच्छा बिठाया और बाबा ने पैसा लगा दिया। चलो, बहुत बढ़िया लगता है। और उसके बाद हम लोग, मैंने जैसे कि बताया था, खाना खाया, अलबैग खाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे रूम में। रूम हम लोगों ने दो लिए थे, भाई लोगों ने अलग लिया था, हम लोगों ने अलग लिया था, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया काफ़ी देर। उसके बाद हम लोग, मतलब 3 से 4 घंटे हम लोगों ने सिर्फ आराम किया। उसके बाद हम लोगों ने जाना था मदीना, और मदीना से फिर हम लोगों की वापसी थी घर की। तो ये हम लोगों का सफ़र होने वाला था। हम लोगों ने, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली थी, उनका छुट्टी का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस वजह से सिर्फ हम लोग यानी कि थर्सडे को निकले हैं, फ्राइडे को हम लोग रात को यानी कि सैटरडे की सुबह सुबह हम लोग फिर वापस आ गए थे।
और बस गुल हमीद का मैंने जो ड्रेसेस है वो संभाल के रखे हुए थे, मैंने सोचा था जब वो उमरा पे जाएगा तभी उसको पहनाऊंगी, उससे पहले उसको जो नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे लगता है शलवार कमीज़ ज़्यादा सूट करती है, तो इस वजह से इसको फिर पेंट शर्ट से मैंने अवॉइड किया था, सिर्फ शलवार कमीज़ थी या अहराम था इस तरह के जो ड्रेसेस थे बस उसको यही पहने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर भी आ गए थे और यहाँ पर आके हम लोगों ने नफल वगैरह अदा किए। ज़्यारत तो हमें करने नहीं दी क्योंकि आजकल उस टाइम जब हम लोग गए थे तो ज़्यारत बंद थी, तो इस वजह से फिर हम लोग सिहन में बैठे वहीं पर नमाज़ पढ़ी एक और नफल वगैरह पढ़ के तो हम लोग निकल गए थे दोबारा। और बस जी गुल हमीद को मैं इधर घुमा रही थी कि वो थोड़ा सा एंजॉय कर ले, थोड़ी सी उसकी वीडियोस, थोड़ी सी यादें उसकी रिकॉर्ड कर लूँ, फिर पता नहीं कब मेरा बेटा आए या ना आए। तो बस जी यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड होगा। बच्चे के साथ उमरा करना या सफ़र करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पता नहीं आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहता लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। तो बस जी यहाँ पर अब हम लोग बैठे थे, नमाज वगैरह पढ़ी और फिर हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी की। मैंने सोचा थोड़ी सी अपने साथ भी वीडियो बना लूँ, अपने साथ भी दो तीन फोटोज़ बनाऊँ, क्योंकि हम लोग जब तक फोटोज़ वीडियोस ना बनाए ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम उस जगह पे गए थे, और कोई यकीन भी नहीं करता है मुझे, ऐसे पता नहीं क्यों लगता है। तो बस जी यहाँ पे होगा मेरा व्लॉग ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करना। आपके लिए मैंने बहुत सारी दुआएं की थी, जितने लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बोला था या व्हाट्सएप पर जो मुझे मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप का नंबर नीचे शो हो रहा है तो वहाँ पर जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं उनको सब की मैंने दुआएं की थी। तो बस जी ये था हमारा आज का व्लॉग। अच्छा इसके बाद मैंने एक सीन और रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं मोस्टली रिकॉर्ड नहीं कर रही आजकल कि कब कब निकले क्या किया ये वो, क्योंकि टाइम नहीं होता, ऊपर से गुल जो साथ होते हैं ना तो चीज़ें रह जाती हैं। तो बस रात को जब हम लोग वापसी का सफ़र कर रहे थे तो यहाँ पर रस्ते में रुके, हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह खा लिए थे, ये भी एक मेरी याद थी, हम सब ने बर्गर्स खाए, फ्राइज़ खाए और साथ में चाय थी और काफ़ी अच्छा टेस्ट था। काफ़ी दिनों बाद जो है ना पाकिस्तानी टेस्ट हम लोगों को मिला था इस कॉफ़ी शॉप से। तो बस इसी के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।